है दफन मुझ में कितनी रौनकें मत पूछ, कभी हम भी आबाद हुआ करते थे। दोस्तों, हमारे देश का एक गौरवशाली इतिहास रहा है। यहाँ बहुत सारे राजा महाराजा और बहुत सारे मुस्लिम सुल्तानों ने राज किया है। इन्हीं शासकों द्वारा बनवाए गए कई किले और इमारतें आज भी सदियां गुजर जाने के बाद भी भारत की धरती पर मौजूद हैं, जिन्हें देखकर उस जमाने के शासकों के रहन सहन और उनकी जिंदगी के बारे में अनुमान लगाया जा सकता है। आज से 500 सालों पहले मुगल वंश के बादशाह अकबर ने भारत के उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में एक शहर बसाया था। उस समय यह इलाका एक बेहद सुनसान और खतरनाक जंगल हुआ करता था। यहाँ मौजूद पहाड़ियों पर शेख सलीम चिश्ती साहब रहा करते थे। बादशाह अकबर को सलीम साहब की दुआओं से बेटे का तोहफा मिला था, इसलिए उन्होंने बाबा की छत्रछाया में रहने के लिए इस शहर को बसाया था। ऊंची पहाड़ियों पर मौजूद इस शहर की तमाम इमारतें वक्त गुजरने के साथ साथ खंडहर में तब्दील हो चुकी हैं, लेकिन विशाल 7 किलोमीटर के दायरे में फैली मुख्य गेट की दीवारों के अंदर बुलंद दरवाजा जामा मस्जिद से लेकर मुख्य इमारत सीकरी का किला आज भी सुरक्षित मौजूद है। 1570 से लेकर 1585 तक मुगल साम्राज्य की राजधानी रही थी फतेहपुर सीकरी। दोस्तों, अकबर एक कामयाब बादशाह होने के साथ साथ कला प्रेमी भी था। इस शहर का निर्माण अकबर ने अपनी निगरानी में करवाया था और अकबर ने खुद इसका नक्शा बनवाने में मदद भी की थी। पहले मुगल साम्राज्य की राजधानी आगरा थी। फतेहपुर सीकरी को अकबर ने नई राजधानी बनाई, लेकिन पानी की कमी की वजह से सिर्फ 15 सालों में ही ये शहर छोड़ दिया गया और राजधानी को फिर से आगरा ले जाया गया। इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ था कि एक इंसान के सपनों से इतना बड़ा शहर बसाया गया हो और उसे सिर्फ 15 सालों में ही वीरान भी कर दिया गया हो। इन सभी इमारतों में लाल बलुआ पत्थर का प्रयोग किया गया था। ईंटों का इसमें कोई नामो निशान तक नहीं है। बीरबल महल, पंच महल, दीवाने खास, दीवाने आम, अनूप तालाब, शीश महल, रसोई, जोधाबाई का महल जैसी कुछ खास इमारतें इस किले में मौजूद हैं, जो मुगल वास्तुकला एवं निर्माण शैली का उत्कृष्ट उदाहरण पेश करती हैं। बादशाह अकबर ने राजपूत रानी जोधा से शादी की थी, लेकिन उन्हें मुसलमान कभी नहीं बनाया। फतेहपुर सीकरी में जोधाबाई के महल में अकबर ने जोधा के लिए एक मंदिर भी बनवाई थी। सम्राट अकबर ने सभी धर्मों का सम्मान किया और एक नया धर्म दीने इलाही की स्थापना भी की। खुद भी इसी धर्म को अपनाया। अकबर के शासनकाल और अकबर को गुजरे वर्षों बीत चुके हैं, लेकिन आज भी दुनिया उन्हें एक महान बादशाह के रूप में याद करती है। ऐसी ही ऐतिहासिक वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सबसे बड़ा महल महारानी जोधा के लिए बनाया, क्योंकि महारानी जोधा भाई से ही अकबर को बेटा हुआ सलीम। हाँ, जहांगीर पहला नाम सलीम दिया है, बाद में अकबर बादशाह बना तब उसका नाम रखा जहांगीर, प्यार में बोलते थे शेकू बाबा। चौथा नाम था उसका नूरुद्दीन। और हाँ जी, और ये